हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर शहर के इंदिरा गांधी सर्किल के पास प्राइवेट बस स्टैंड पर देर रात एक केबिन में आग लग गई। आगजनी की घटना में किराने के सामान सहित केबिन जलकर राख हो गया। वहीं केबिन के पास बना छपरा और पानी के करीब 810 कैंपर भी जलकर राख हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्राइवेट बस स्टैंड में भाजपा निवासी कीर्ता राम रोज की तरह शुक्रवार शाम अपना केबिन बंद कर अपने गाँव लौट गया। सुबह वह जब वापस काम पर लौटा तो उसका केबिन जलकर राख हो चुका था और कुछ लकड़ियों के साथ राख बिखरी पड़ी मिली। पीड़ित के अनुसार केबिन में 60 से 70 हजार का किराना सामान रखा हुआ था। वहीं केबिन और अन्य सामान मिलाकर करीब 1.25 लाख का नुकसान हो गया। आगजनी की घटना को लेकर आसपास के लोगों ने बताया कि आगजनी की ऐसी घटना कई बार प्राइवेट बस स्टैंड में हो चुकी है। पुलिस को इन घटनाओं की सूचना भी दी गई, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन ने प्राइवेट बस स्टैंड में सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात पूर्व में कही थी, लेकिन उस पर अभी तक अमल नहीं किया गया, जिसका खामियाजा गरीब मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।